introduce or enhance our knowledge about robotics and also artificial intelligence. As we all know that in current scenario, this robotics and artificial intelligence in India also. आजकल आप लोग गूगल ओके तो गूगल में आप लोग ये चीज देखते होंगे कि जब भी आप गूगल में किसी चीज को सर्च करते होंगे देन आफ्टर आपको काफी सारे उससे रिलेटेड सब टेक्नोलॉजी है जो कि आपके प्रेफरेंसेस को आपके जो विशेष होते हैं उनको वो पहचान कर आपको उसके हिसाब से जैसा आप चाहते हो वैसे आपको रिकमेंडेशन देता है. अनदर थिंग इज रोबोटिक्स. रोबोटिक्स आपके लाइफ में हर जगह इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका व्हीकल है गाड़ी जो कि आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट के लिए वहां से लेकर आजकल जो रोबोट्स बनते हैं इन सभी जगह पर हम लोग रोबोटिक्स का जो यूज करते हैं. तो इन्हीं सबके बारे में बताने के लिए आज हम लोग के पास ग्लोबल सैफ्रॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट से कुछ लोग कुछ मेंबर्स प्रेजेंट हैं. फर्स्टली इन्होंने बोलने दे फर्स्टली अपन को फ्यूज एजेंसी से जैसे डायरेक्टर हूं या मैं ग्लोबल सैफ्रॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट सर्विस में हूं. मनीष यादव सर प्लीज. मनीष यादव नेक्स्ट वन इज अंजलि कुमारी एंड द लास्ट वन इज सर्वेश रयान. ओके हेलो ओके स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग to give the charges to Mr. Anjan. He will anchor the rest of the session and maintain silence and help them to clear the session very carefully. Thank you. Thank you everyone. Hello students. Because you are in 8, 9, 10 days, right? Yes, sir. So it's common thing to the current education because in new education policy, it will apply, I think, due to COVID, it will not apply to your curriculums. Otherwise, it will apply in 2022 only. But after 2022 and 2023, it will apply to your course, Artificial Intelligence and Robotics. So, what's your, if I told you that robotics and robot, what comes in your mind first? Anyone? If I told you robots, सबसे first आपके mind में क्या आएगा? Think and robot movies. So, robot 2 and robot 1 like that, 50 robots and all. But robotics is not about long that the human like robots. कोई भी चीज डेवलप करते हो इट विल ऑटोमेटेड देन इट इज कॉल्ड अ रोबोटिक्स. ऐसा नहीं है कि जब भी मैं रोबोट बोलूं इट विल जस्ट कीप इन योर माइंड कि इट इज अ ह्यूमन राइट. ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज को प्रोग्राम करते हो एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम देन इट इज अंडर द रोबोटिक्स. बिकॉज आप एक बात बताओ इफ आई टच यू इफ आई सी यू इफ आई मीट यू इन एवरीथिंग सो व्हाट्स गिव यू इंस्ट्रक्शन टू यू विल हर्ट और यू कैन टच बाय समथिंग mind. Yeah. So in robotics also and in artificial intelligence also, we will give mind to the robots only. And their mind is the microcontroller. What's the microcontroller do? When we program it, we will just take that command and there are lots of sensors. We can interface that sensor to work accordingly. If I require that we need to make the obstacle avoider robot. So obstacle avoider robot pata hai sabko? तो आप अभी न्यू लॉन्च कार हुई है टेस्ला. उसका सबसे लेटेस्ट फीचर क्या है कौन बताएगा? ऑटो पायलट मोड. तो वो ऑटो पायलट मोड उसके पास आया था. कौन बताएगा ऑटो पायलट मोड उसको कैसे बनाता है? ऑटो पायलट मोड में वो कैसे चीजों को सेंस करता है कि अब मेरे को अगर आपके सामने से निकल आ रही है तो ऑटो पायलट मोड में तो अगर वो दिखेगा तो निश्चित सी बात है कि एक्सीडेंट होनी है. बट वो कैसे नहीं होता है उसको रोकने के लिए क्या ऐसा कुछ है कि कुछ तो ऐसा होगा उसके पास फीचर ना
कई सेंसर का नाम क्या बता सकते हो? सो फॉर सेंसिंग पर्पज ऑफ डिस्टेंस वी विल यूज अल्ट्रासोनिक सेंसर, और टेस्ला भी वही पिक्चर्स में वर्क करता है, उसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज होते हैं। वो क्या करता है कि आपको डिस्टेंस, आप जितने आप इवन नॉर्मल आप कार पार्किंग करते हो, जो भी नॉर्मल आप कार पार्किंग करते हो, बैक साइड में जब आप मूव करते हो आपके सामने डिस्प्ले लगता है 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, वो कैसे डिस्टेंस मेजर होता है? तो देयरफॉर सेंसर ओनली, वो भी सेंसर के हेल्प से क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर कर लेता है, राइट। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर, आप बैट के बारे में सब कुछ जानते हो, बैट वो कैसे काम करता है, उसके पास तो आई होती नहीं है, और आई थिंक 6 और 7 में ही आप लोग बैट का वो पढ़ चुके होंगे कि वो वर्क कैसे करता है, कैसे करता है, एक्सप्लेन करेगा हु विल एक्सप्लेन। Not a single hand. Ecosystem. What is eco? Why the sound? So, bat will work on the principle of echo. What is echo? Anybody, any sound generator device will generate the sound, and when it strike on the wall or strike on the any object, then it reflect back. और जब reflect back होती है उसकी time duration और timing को देख करके वो distance को measure करता है। तो bat भी उसी principle पे work करता है, ultrasonic sensor भी उसी principle पे work करता है, इसलिए आपका जो टेस्ला vehicle है वो accident से बचा रहता है, और second picture उसमें GPS लगा होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, नॉट ओनली अभी इन द लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेलीविजन आप एलेक्सा एंड अमेज़न एलईडीज के बारे में बहुत सारे एडवर्टाइज देख रहे होंगे कि आप मोबाइल से जस्ट कंट्रोल किया है, या फिर जैसे आप रूम में एंटर यूज करते हैं इन द रूम देन द लाइट विल टर्न ऑन। तो ये सारी चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या कर रहा है, मतलब आपके डे टू डे लाइफ में भी इंटरेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस एंड नॉट ओनली फॉर द रिसर्च एंड इंजीनियरिंग भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन आवर बेसिक एजुकेशन सिस्टम। सो व्हाट्स द बेसिक एजुकेशन सिस्टम इज स्टेम। सो यू नो अबाउट द स्टेम, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन। स्टेम, स्टेम इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट द रोबोट, नॉट आई विल टेल यू दैट यू हैव टू मेक द प्रोग्राम एंड यू विल I just make the whole robot. So you have to first just start in the early years and you can start making the construction of the robot. Like we have lots of examples here. So this is the only the construction model. How we make the balanceable robot and how we construct it. So how we architect the robot. So all these are the examples of that. After that we can go into the programs. Right? So now if you have any question about robotics and robot, then you can ask me. Anyone? Any questions about robots? कोई question नहीं है किसी के पास? अरे मैं तो अपने स्कूल एज में था, तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ बच्चों हमारे टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था फिलहाल, लेकिन जब भी ऐसा अगर कुछ कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट की बच्चों को दी थी या कोई भी सेमिनार देने आता तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। आप लोग क्या क्वेश्चन नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या तो आप घर से नहीं पूछ रहे हो या फिर आप मां करके नहीं पूछ रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। So now we are just going to the AI. What is AI? AI is the artificial intelligence. And what is the definition of artificial intelligence is to a study of the computer system that adapts the model and apply the intelligence to the human mind. It's just like a human mind. Abhi aap just ye robot dekh lo, jaise maine Tesla ka example diya na, it's just like the same one. I will use a front sensor only. मैं इसके साइड में अगर सेंसर यूज करता हूं तो इट विल ऑटोमेटिक डिटेक्ट इट्स पाथ।
I will just show you examples. Yeah, as you can see, कि जैसे ही अगर इसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा, इट विल जस्ट मूव बैक. अगर मैं इसी के चारों तरफ सेंसर ऐड कर दूं, तो क्या होगा कि इट विल डिटेक्ट फ्रॉम ऑल फोर साइड्स. तो देखो ये आप इतने सारे चेयर्स लगे हुए फिर भी उसके बीच में ये अपने बात को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर ले रहा है. सो इट्स बिकॉज ऑफ ओनली माइक्रो कंट्रोलर एंड सेंसर्स. सो आप बताओ कि इफ वी यूज दैट फीचर इनसाइड इन हार्ट, इवन in I think just 20 days or 25 days before there is one trial on the railway. If you got about that, there is a one trial of the railway. There is two trains just ride on the same track and in opposite direction. Abhi aapne just 20 se 25 din pehle ki news hai ye, jisme they were just in opposite direction dono trains ko ek hi patri pe move karaya gaya tha. But jaise jaise wo दोनों ट्रेन एक दूसरे के पास आती में क्या हुआ, स्लो डाउन होते हुए वो स्टॉप हो गई. तो आप बताओ कि अब रेलवे में करने की क्या जरूरत है. रेल में तो अब एक ट्रैक पर सिंगल वो अपना ट्रेन चलती है, उसे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं. बताओ ट्रेन में हम क्यों किया जा रहा, कोई बता सकता है. एक ट्रैक पे दौड़ती थी, बट क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ सिग्नल समटाइम्स दोनों ट्रेन दो ट्रेन आपस में एक ही पटरी पे चलने लगती थी. तो उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग, और बिकॉज हम लोग को ट्रेन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो दो ही है, या तो सामने से ट्रेन आएगी या पीछे से ट्रेन आएगी, साइड से तो नहीं आएगी. तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेलवे सबसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल और बेटर एग्जाम्पल था कि इस चीज को हम लोग रेलवे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन आफ्टर वी कैन यूज इन द व्हीकल्स ऑल्सो. Because in the vehicles we needed a lot of sensors. But in trains, we need only two sensors, one is front and one is in the back side. Okay. Now the second point is a branch of computer science is dealing with the simulation of intelligence behavior in the computers. Computer science, I think all you know about the computer science. There is one subject in the computer on your curriculum, right? And so computer science karta hai kya, acha sabse first you will explain me what does computer do only. A computer kya karta hai, just back side. Main back side mein hi aa raha hu because back side wale students lag rahe hain ki interact nahi kar pa rahe. Acha who will tell me ki what does computer do, simply what does computer do, any of you? Class 10, there is class 10 sir. Okay. So what does computer do, class 10? I think you are aware about that. Yes? I need to. Because I think just fraction of second computer will do multitask. But I think your brain will not do the multitask. But the computer is made by the man only. So what the make the computer special is that their algorithm, right? We can put such algorithm that it will work faster than any of the humans, right? जैसे आप कोई भी सेंसर आप यूज करते हो तो सेंसर आप उसके हैंड के सेंस करने से पहले आपका सेंसर सेंस कर लेगा. आपकी हैंड जितने देर में एक्टिव रिलेटिवली अगर किसी चीज को सेंस करती है उससे जल्दी आपका क्या करेगा, आप उसके प्लेस पे कोई सेंसर यूज करते हो तो वो उस चीज को जल्दी डिटेक्ट कर लेगा. क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना स्टेबल पोजिशन पे रहता है. आवर माइंड इज ऑलवेज इन स्टेटिक पोजिशन. अगर मैं अगर एक वर्क कर रहा हूँ बस उसी वर्क पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, दूसरा वर्क नहीं कर पाता है. सो बट द सेंसर और सेंसर्स में क्या है,
हर एक एक्टिविटी के लिए एंड एवरी एक्टिविटी द सेंसर की लिमिट अलॉटेड. सो एक पर्टिकुलर सेंसर का एक ही काम है, वो डिस्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, बट हमारे माइंड के पास तो काफी सारा काम होता है ना, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, बातें करनी है, अल्लाह भी करना है, राइट. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द सेंसर एंड द आवर ह्यूमन बॉडी पार्ट लाइक हैंड, आईज एंड नोज. ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन टू इंटीमेट इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर. ये क्या होता है कि एक मशीन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को लोग कैसे डाल सकते हैं, जस्ट लाइक रोबोट मूवी तो सब लोग देखे हो क्या है, तुमने देखा है ना, तो रोबोट मूवी के अंदर जो चिट्ठी था उसके अंदर कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर था नहीं था. जब मैंने उसके अंदर अगर आप जब देखे होगी कि मैं जब देखा था तो मेरे मन में नहीं